हाय एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल माई टेक्निकल आज के इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग एस एस सी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक शेड्यूल्स डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइंड रेस्क्यू रूल के शेड्यूल्स अलोंग विथ माइंड रूल्स नाइनटीन के शेड्यूल ये वीडियो एक कम्पेरिजन वीडियो होगा यहाँ पर हम लोग जो शेड्यूल्स होंगे माइ रेस्क्यू रूल और माइ रूल नाइनटीन दोनों को साइड बाई साइड कम्पेयर करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें ताकि ऐसे ही मोर माई से कंटेंट आपको टाइमली मिलते रहे इसके अलावा अगर आपने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे ऐप माइनी टेक्निकल डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर जहां पर आपको कई सारे माइनिंग के कोर्सेज मिलेंगे एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल 1985 विद माइन माइन रूल्स 1955 के शेड्यूल्स तो ये देखिए साइड बाय साइड कंपैरिजन है यहाँ पर हम लोग देखिए शेड्यूल नंबर लिखे हुए हैं और शेड्यूल नंबर कौन से शेड्यूल नंबर में माई रेस्क्यू रूल नाइनटीन में क्या होगा प्रोविजन और माई रूल नाइनटीन में क्या होगा उस पर्टिकुलर शेड्यूल में प्रोविजन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं शेड्यूल नंबर वन मैं कलर चेंज कर लेता हूँ शेड्यूल नंबर वन में अगर मैं माइन रेस्क्यू रूल नाइनटीन एटी फाइव के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे दिया गया है रेस्क्यू स्टेशन के इक्विपमेंट रेस्क्यू स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट रखना है उसकी जानकारी आपको मिलती है शेड्यूल नंबर वन ऑफ माइन रेस्क्यू रूल वहीं अगर माइन रूल्स नाइनटीन फिफ्टी फाइव के शेड्यूल नंबर की बात करें शेड्यूल नंबर वन की बात करें तो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे वेरियस फॉर्म्स लाइक फॉर्म ए बी डी अप टू फॉर्म यू सॉरी अप टू फॉर्म टी होगा होता है लास्ट फॉर्म जिसमें भेजते हैं तो उसके बाद आता है नंबर टू ठीक है नंबर टू जो है हमारा शेड्यूल है माइंड रेस्क्यू रूल नाइन में उसमें है कि रेस्क्यू रूम में क्या क्या इक्विपमेंट हमको रखना है सिमिलरली माइंड रूल नाइनटीन के शेड्यूल नंबर टू में हमें यह बताया गया है कि फर्स्ट एड रूम में क्या क्या इक्विपमेंट रखना है शेड्यूल नंबर थ्री में रेस्क्यू रूम में बताया गया है कि जहां जिस माइस में रेस्क्यू रूम ना हो उस खदान के प्रवेश मार्ग के नजदीक कम से कम कौन कौन से इक्विपमेंट आपको रखने सर्फिस में वहीं माइन रूल के शेड्यूल नंबर तीन में बताया गया है कि फर्स्ट एड स्टेशन में आपको कौन कौन से इक्विपमेंट रखने हैं इसके बाद आता है शेड्यूल नंबर फोर शेड्यूल नंबर फोर ऑफ माइंड रेस्क्यू रूल नाइनटीटी में बताया गया है एडजस्टमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रीदिंग ऑपरेटर फ्लोमीटर बॉबिन मीटर ऑक्सीजन ईटीसी यानी ब्रीदिंग का एडजस्टमेंट और टेस्टिंग फ्लो मीटर बॉबिन मीटर ऑक्सीजन इत्यादि की यहां पे जांच के बारे में एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया है वहीं अगर मैं माइन रूल 1955 के शेड्यूल नंबर फोर की बात करूं तो उसमें मेंशन है एग्जामशन फ्रॉम द आर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं शेड्यूल नंबर फाइव शेड्यूल नंबर फाइव ऑफ माइन रूल नाइनटीन एटी फाइव माइन रेस्क्यू रूल नाइनटीन एटी फाइव में बताया गया है कोड ऑफ साइन फॉर रेस्क्यू ट्रेसिंग कोड ऑफ साइन यानी जो भी सिंबल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेस्क्यू ट्रेसिंग्स में उसके बारे में पे मेंशन है वहीं अगर हम माइन रूल 1955 की बात करते हैं तो शेड्यूल नंबर फाइव में बताया गया एबस्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट उसके बाद आते हैं शेड्यूल नंबर सिक्स माइन रेस्क्यू रूल का शेड्यूल नंबर सिक्स में बताया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में वहीं माइन रूल नाइनटीन

या प्रैक्टिस करना है उसका वो पूरा कोर्स दिया हुआ है पार्ट वन है पार्ट टू है पार्ट वन में जो इनिशियल ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है और पार्ट टू में रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है इसके अलावा जो लास्ट शेड्यूल है माइन रेस्क्यू रूल नाइनटीन का वो है शेड्यूल नंबर एट जो कि है कोड ऑफ सिग्नल तो ये हो गया माइन रेस्क्यू रूल और माइन रूल नाइनटीन का साइड बाई साइड कंपेरिजन चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन शेड्यूल्स में कुछ है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला पे पॉइंट है कि एवरी एवरी ब्रीथिंग थरोली टेस्टेड इन मंथ तो हम लोगों ने बात किया था माइंड रेस्क्यू रूल का शेड्यूल नंबर फोर में उसे बताया गया था ना टेस्टिंग और ब्रीथिंग एपेटिस तो ब्रीथिंग एपेटिस का जो जांच यहाँ पे करना होता है वो हर महीने में कम से कम एक बार करनी होती है इसके अलावा ऑक्सीजन की प्योरिटी की भी जांच करनी पड़ती है जो भी आपका ब्रीदिंग एपेटिस में ऑक्सीजन यूज होने वाला है तो कितना प्योर है उसकी भी जांच होती है और यहाँ पे मेंशन भी है कि नो ऑक्सीजन विच इज फाउंड टू कंटेन मोर देन वन परसेंट ऑफ इम्प्योरिटीज साल बी यूज मतलब ऐसा ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें एक परसेंट से ज्यादा अगर इम्प्योरिटी है अगर एक परसेंट से ज्यादा इम्प्योरिटी है तो वैसा ऑक्सीजन को ब्रीदिंग एपेटिस में इस्तेमाल नहीं करना है इसके अलावा फ्लो मीटर की इस्तेमाल फ्लो मीटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी टेस्टिंग की जाएगी फॉर द एक्यूरेसी और वो टेस्टिंग की जाएगी हर 6 महीने में कम से कम एक बार इसके अलावा जो फर्स्ट एड स्टेशन एंड फर्स्ट एड रूम में जो फर्स्ट एड बॉक्सेस हमको रखनी है वो रखने हैं एक बॉक्सेस एट फॉर एवरी 150 परसेंट एम्प्लॉयड इन द माइन मतलब जो है प्रत्येक जो है 150 लोग पे आपको कम से कम एक फर्स्ट एड बॉक्स तो रखना ही पड़ेगा ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर सिक्स ऑफ माइन रूल नाइनटीन के जो मैंशन किया गया उसमें बताया गया है कि ऑल द माइन सिट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखीमपुर इन द स्टेट ऑफ आसाम सेल ऑब्जर्व लोकल मीन टाइम वन आर इन एडवांस ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या है कि जो भी माइस आसाम राज्य के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में होंगी उनका जो लोकल ठीक है जो टाइम होगा वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से एक घंटा आगे होगा तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ शेड्यूल्स ऑफ माइंड रेस्क्यू रूल एंड माइंड रूल आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप माइनिंग सदारो में मैन की तैयारी करना चाहते हैं हमारे कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप माइंग टेक्निकल फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत